हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड के पार्थियंस और कुशांस के बारे में। तो अब ये पार्थियंस कहाँ से आए, कुशांस कहाँ से आए, इसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक हिस्ट्री पता होना ज़रूरी है। हमने पढ़ा मॉडर्न एम्पायर के बारे में, हमने पढ़ा उसके तीन मेन रूलर्स थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका। फिर हमने ये जाना कि अशोका का रूल जब ख़त्म हुआ, जब उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद एम्पायर जो है वो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में बंट गया। ठीक है, बहुत वीक सक्सेसर्स आए अशोका के बाद, तो वो पूरे के पूरे एम्पायर को जोड़ के नहीं रख सके। अब उसी टाइम पीरियड में ऐसा होता है कि कुछ फॉरेन इन्वेजन्स और कुछ नेटिव इन्वेजन्स होना स्टार्ट होते हैं। मतलब कुछ बाहर से आक्रमण होने देश पे स्टार्ट होते हैं, मॉरन के जो काल है, जो ईरा है, जो जगह है, लोकेशन है, साइट है, वहाँ पे होने स्टार्ट होते हैं। कुछ लोकल आक्रमण जो हैं उनके एरिया में होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फॉरेन इन्वेजन्स में जब हम बात करते हैं तो इनमें आता है इंडो ग्रीक्स, शक और स्काइथियंस, पार्थियंस एंड कुशांस। ठीक है, तो इंडो ग्रीक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, शक या स्काइथियंस कह लीजिए, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम पार्थियंस एंड कुशांस के बारे में पढ़ेंगे एंड देन हमारा फॉरेन इन्वेजन वाला पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। इसी के साथ नेटिव इन्वेजन में आते हैं शुंगास, जो देश के ही थे, अलग अलग जगह पे जो लोग थे वो अलग अलग जगह पे रहते थे, तो उन्होंने अपनी आर्मी के साथ आक्रमण किया, तो उनके जो आक्रमण है वो नेटिव इन्वेजन्स में आते हैं। इसमें आता है शुंग हो गया, कनवाज हो गया, चेतीज हो गया, सातवाहंस हो गया। तो अभी हमें इन्हें पढ़ना है, फिलहाल हमने ये दो पढ़े हैं और आज हम इन दोनों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। राइट, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट करें। तो मैंने बात की कि हमें पार्थियंस एंड कुशांस के बारे में पढ़ना है, तो पहले हम पार्थियंस के बारे में जानते हैं। टाइम पीरियड की बात करें तो फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी एडी तक का इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, Originally the Parthians lived in Iran. From here moved to India and replaced Shakas. अब होता क्या है, Parthians जो हैं वो एक्चुअल में ईरान में रहते थे, यहाँ पे वो आए और जो शक यहाँ पे रूल कर रहे थे उनको उन्होंने रिप्लेस किया। शक आप समझ गए, शक्स और स्काइथियंस जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना, तो उनको रिप्लेस किया। दे ऑक्यूपाइड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एज कम्पेयर टू शक्स एंड ग्रीक्स। जो इंडो ग्रीक्स आए थे, जो शक्स आए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा एरिया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का कवर किया था, लेकिन उनके कंपेरिजन में पार्थियंस बहुत कम एरिया जो है वो अपने अंडर कर पाए थे। ठीक है, द मोस्ट फेमस पार्थियन किंग, सबसे ज़्यादा फेमस पार्थियन किंग कौन से हैं, वो है गोंडोफेरेंस, इन हुज रियान सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया फॉर द प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए ऐसा माना जाता है कि जो गोंडोफेरेंस थे, जो सबसे ज़्यादा फेमस पार्थियन रूलर थे, उनके अंडर, उनके टाइम पीरियड में सेंट थॉमस आए थे इंडिया। क्यों? क्रिश्चियनिटी का प्रोपगेशन करने, मतलब प्रचार करने क्रिश्चियन धर्म का। ठीक है, जो देखिए पार्थियंस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, कुशांस के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि हम इसमें कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं, तो फिर सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा। प्लस एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं अपने चैनल पर डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ाती हूँ, तो उसमें 10 से 15 पॉइंट्स मैं डेली कवर करती हूँ। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, आपको कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे करंट अफेयर्स रेफर कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप चाहे तो उसे भी परचेज कर सकते हैं, बहुत ही कम रेट पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। फाइन, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हमारा आज का सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है द कुशांस। टाइम पीरियड की बात करें तो फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी एडी ये इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, ऑल्सो नोन एज यूचियंस और तुचानियंस, ये आप देख लेना प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से, बट अगर क्वेश्चन कहीं पे आता है यूचियंस के बारे में या तुचानियंस के बारे में, तो आपने समझना है वो कुशांस की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कुशांस रिप्लेस द पार्थियंस। अब पार्थियंस के बाद आए तो ऑब्वियसली इन्होंने पार्थियंस को रिप्लेस किया। ठीक है, दीज वर द नोमैडिक पीपल। नोमैडिक आप समझते हैं, घुमंतू, इधर से दूसरी जगह घूमते रहते थे, है ना। दे केम फ्रॉम स्टेप्स ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एशिया, नॉर्थ सेंट्रल एशिया के जो प्लेन एरियाज है वहाँ से वो इंडिया तक आए थे। एक्सटेंट, एक्सटेंट माने एरिया की उनके अंडर कौन कौन सा एरिया आता था। नाउ अ गुड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, पोर्शंस ऑफ ईरान, अफगानिस्तान, ऑलमोस्ट होल ऑफ पाकिस्तान एंड नॉर्दर्न इंडिया। इसके लिए अपना मैप खोलिए, सामने आपने वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप लगाया, वेल एंड गुड, अदरवाइज अपनी एटलस खोलिए। देखिए सेंट्रल एशिया कहाँ पे पड़ता है, वहाँ से ईरान आए, अफगानिस्तान आए, पूरा का पूरा पाकिस्तान कैप्चर किया, एंड देन नॉर्दर्न इंडिया है।
आपको पता होना चाहिए, ठीक है, रूट। नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट कुशाना डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय। अब कुशांस की भी दो डायनेस्टीज थी, ठीक है। पहली जो कुशान डायनेस्टी थी वो फाउंड की गई थी कुजाला कैटफिसिस के द्वारा, ठीक है। अब इसी डायनेस्टी के सेकेंड रूलर थे वीमा कैटफिसिस। इन्होंने क्या किया, दे इशूड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। इन्होंने भी इंडिया में गोल्ड कॉइन्स इशू करना स्टार्ट किए थे। देखिए, सबसे पहले इंडो ग्रीक्स ने किए थे, ठीक है। उसके बाद जो वीमा कैटफिसिस थे यानी कुशान डायनेस्टी के जो रूलर थे, उन्होंने गोल्ड कॉइन्स यहाँ पे इशू किए थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कनिष्क के बारे में। सो कनिष्क फाउंडेड द सेकेंड कुशाना डायनेस्टी। सेकेंड कुशान डायनेस्टी के फाउंडर थे कनिष्क और फर्स्ट वाले के थे कुजाला कैटफिसिस। तो फर्स्ट वाले को कोई पूछता ही नहीं, यही कुशान डायनेस्टी को हम कनिष्क से रिलेट करते हैं जब भी कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कनिष्क जो है वो सेकेंड कुशान डायनेस्टी के फाउंडर थे। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे कनिष्क के बारे में। बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पर जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो नोट्स परचेज कर सकते हैं, किस कॉलेज जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नहीं है टाइम नोट्स बनाने का, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने नोट्स वीडियोस देख देख के बना सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक कवर किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर किए, राइट। जो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है कनिष्क के बारे में। कनिष्क के टाइम पीरियड की बात करें तो 78 AD से 101 AD तक का इनका टाइम पीरियड था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ कुशाना डायनेस्टी। कुशान डायनेस्टी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं कनिष्क, राइट। फाउंडर ऑफ सेकंड कुशाना डायनेस्टी, ये हम पढ़ चुके हैं। ऑल्सो नोन एज सेकंड अशोका। देखिए, हमने मौर्य एम्पायर में तीन राजा पढ़े थे जिनकी हमने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ी थी, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका। तो अशोका के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था, ठीक है। कलिंगा वॉर हुई थी, हृदय परिवर्तन हुआ था, रॉक एडिक्ट्स इशू किए थे, बैरी घोष से धाम घोष की तरफ गए थे, फिर ये सब हमने पढ़ा उनके बारे में। तो अब देखिए, वो जो है ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर माने जाते हैं। तो कनिष्क कौन से रिलेट किया जाता है, जितने पावरफुल, जितने एम्बिशियस है ना, जितने स्ट्रांग अशोका थे उतने ही कनिष्क को भी कहा जाता है। तो इसलिए कनिष्क को सेकेंड अशोका कहा जाता है। ही स्टार्टेड एन ईरा, एक ईरा इन्होंने स्टार्ट किया, शक ईरा। कब से स्टार्ट किया, 78 AD से। नाउ ऑल्सो यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार भी इसी इरा को जो है वो फॉलो करती है। हैड टू कैपिटल्स, इनकी दो राजधानियां थी, एक थी पुरुषपुर, एक थी मथुरा, ठीक है। ही पैट्रोनाइज्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। कश्मीर में जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसको पैट्रोनाइज किया। हमने बुद्धिज्म पढ़ा, जैनिज्म पढ़ा, हमने जाना जैनिज्म की दो काउंसिल्स हुई थी, ठीक है, हमने जाना बुद्धिज्म की चार काउंसिल्स हुई थी। तो जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल थी, जो कि एक तरह से लास्ट काउंसिल थी, कश्मीर में हुई थी, उसको पैट्रोनाइज किया था कनिष्क ने। वेयर डॉक्ट्राइन ऑफ महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वॉज फाइनलाइज्ड। हमने पढ़ा था ना महायाना, वज्रयाना, हिनायाना, तीन सेक्ट्स थे। तो जो महायाना था, ठीक है, इसको जो है फाइनलाइज किया गया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। नाउ अब देखिए, आगे चलने से पहले एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा, राइट। एंड एक चीज़ और, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा और वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। फाइन, आगे चलते हैं। ही पैट्रोनाइज द फॉलोइंग पर्सन। अब जिनके भी नाम मैं आपको बताऊंगी, इन सबको शरण दी थी, ठीक है। कौन कौन है, अश्वघोष, नागार्जुन, वासुमित्रा एंड चरक। अब सबके बारे में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। अश्वघोष, इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी है और जो बुद्ध चरित्र है दैट इज कंसिडर्ड एज रामायण ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। नागार्जुन ने माध्यमिक लिखी है और नागार्जुन को इंडियन आइंस्टाइन भी कहा जाता है। वासुमित्रा जो है चेयरमैन थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के, और पैट्रोनाइज किसने की थी, कनिष्क ने की थी। तो इनको भी इन्होंने पैट्रोनाइज के अंदर शरण दी थी। चरक ने लिखी है चरक संहिता। चरक के बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कौन थे, है ना। नाउ द लास्ट ग्रेट कुशान रूलर, लास्ट जो ग्रेट कुशान रूलर थे वो थे वासुदेव वन।
अब इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें समझ आता है दैट इट सजेस्ट, दिस लाइन सजेस्ट दैट सक्सेसर्स ऑफ कनिष्क बोर टिपिकल इंडियन नेम्स, कि जो सक्सेसर्स थे कनिष्क के, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा टिपिकल इंडियंस नेम लिए, जैसे वासुदेवा ये एक इंडियन नाम है, लेकिन जो कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे उन्होंने भी ये नाम लिया, ठीक है, तो वो इंडियन नेम्स को अपने ऊपर रख लेते थे, ऐसा कुछ नहीं था। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कन्फ्यूजन होता है हमें, फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू गोल्ड क्वाइंस ऑन अ वाइड स्केल, इंडो ग्रीक्स ने स्टार्ट किए इशू क्वाइंस इशू करना गोल्ड क्वाइंस, और इन्होंने क्या किया वाइड स्केल पे बहुत सारे गोल्ड क्वाइंस इशू किए, बस फर्क यही है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पार्थियंस, कुषाण डायनेस्टी और जो फॉरेन इन्वेजन्स हम पढ़ते हैं वो हो गए कंप्लीट। अब हम सेंट्रल एशियन इंपैक्ट पढ़ेंगे कि ये सब जब इंडिया आए, ठीक है, तो इन कल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एंड देन हमारा जो पूरा का पूरा फॉरेन इन्वेजन्स है वो हो जाएगा कंप्लीट, राइट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट के बारे में, एंड देन हमारा फॉरेन इन्वेजन्स हो जाएगा कंप्लीट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट गाइज एंड सी यू सून।